64वीं राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता पालमपुर के भवारना में शुरू की गई। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ड्रोह की प्रिंसिपल एसपी सोम्या समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुई। इस प्रतियोगिता में स्पीड बॉल और यूनिफाइड की अंडर 17 से अंडर 19 के लड़के और लड़कियां भाग ले रहे हैं। देश के 13 राज्यों से लगभग 500 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेने भवारना पहुंचे हैं। प्रतियोगिता के आयोजक विशाल सिंह मेहरा ने बताया कि प्रतियोगिता में 13 राज्यों के 500 चुने हुए खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्कूली खेलों में सुशील पहलवान अर्जुन अवार्डी तथा देश के कई नामी खिलाड़ियों ने स्कूली खेलों से आगे बढ़कर देश का नाम रोशन किया है। स्कूली खेल प्रतियोगिता के स्पीड बॉल खेल का आयोजन पालमपुर के स्पेक्ट्रम पब्लिक स्कूल व यूनिफाइड मार्शल आर्ट खेल का आयोजन धौलाधार कॉन्वेंट स्कूल भवारना में हो रहा है। विशाल सिंह, मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ इस इवेंट में। 64वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और CBSE बोर्ड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत CBSE यूनिट जो है इन गेमों को ऑर्गेनाइज करा रही है और 64वें राष्ट्रीय स्कूली खेलों में स्पीड बॉल और यूनिफाइड इवेंट का खेलों का यहाँ आयोजन हो रहा है, जिसमें 550 के करीब देश के 13 राज्यों के बच्चों ने हिस्सा लिया है और सभी बच्चे अलग अलग वेन्यू में रुके हुए हैं। स्पेक्ट्रम पब्लिक स्कूल धौलाधार कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों का रहने का अरेंजमेंट है और चैम्पियनशिप वेन्यू हमारा विनीत पैलेस में बच्चों का ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी का व्यवस्था है। इस प्रतियोगिता में बच्चों मेन लक्ष्य यही रहता है कि ज़्यादा बच्चे, चुने हुए बच्चे जो हर राज्य से आते हैं वो हिस्सा लें। इस ये जो राष्ट्रीय खेल होते हैं ये इंडिया के सबसे बड़ा स्कूली लेवल पे खेल है और इन्हीं खेलों से सुशील कुमार और कई इंटरनेशनल लेवल के जो हमारे इंडिया के स्टार खिलाड़ी हैं वो इन्हीं खेलों से जीत कर आगे बढ़े हैं। धन्यवाद। मुख्य अतिथि SP सौम्या ने कहा कि खेल को जीतें या हारें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु उसे ठीक ढंग से खेलना चाहिए। जिस तरह फिल्में, संगीत, रीति रिवाज सरहदों को पार करती हैं, उसी प्रकार खेल भी कई देशों को जोड़ने का काम करता है। आप जब खेलेंगे तो सही खेलेंगे, जीतेंगे हारेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड यू प्ले यू प्ले राइट, दैट इज द ओनली मैसेज आई वांटेड टू गिव यू। एंड आई आल्सो वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लैंड ऑफ माइटी हिमालयस, इन दिस लैंड ऑफ गॉड्स, इन दिस लैंड ऑफ डिविनिटी। आई विश यू ऑल द सक्सेस कि आप इस तरह गेम्स को खेलते हुए, जिस तरह फिल्में अंतर्राष्ट्रीय सरहदों को पार करती हैं, संगीत अंतर्राष्ट्रीय सरहदों को पार करता है, कल्चर अंतर्राष्ट्रीय सरहदों को पार करता है, स्पोर्ट्स ने अनादिकाल से कई राज्यों को और कई देशों को जोड़ने का काम किया है। तो आप सिर्फ बॉल्स और बैट्स लेकर खेलते नहीं हैं, आप जोड़ने का भी काम करते हैं। यू एक्चुअली यूनाइट द होल वर्ल्ड। आप इस शो में काम को लगातार करते हैं आगे भी। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।